गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए फैक्ट के साथ स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स इंडिया पे। आज का टॉपिक है महिला बैंक। महिला बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 19 नवंबर 2013 में और इसकी उस टाइम की लागत थी 1000 करोड़ रुपीस। इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं सोनिया गांधी जी ने और उस टाइम प्रबंधक निदेशक नियुक्त की गई थी महिला बैंक की उषा आनंद सुब्रमण्यम। इसका हेडक्वार्टर था नेहरू पैलेस नई दिल्ली इफ्की टावर में। हालांकि 21 मई 2014 को भारतीय महिला बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची 1934 में शामिल करने की अधिसूचना की घोषणा कर दी गई थी और इसके बाद जब ये घोषणा की गई तो भारत की अनुसूची वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या 90 हो चुकी थी। इसकी शाखाएं जो अभी हैं 5 हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद व गुवाहाटी में काम करती हैं। बट 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसको मर्ज कर दिया गया